अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बेसिकली इट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फर्स्ट टर्म, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करैक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटीज, फीचर्स, दैट व्हाट आर द मेन क्वालिटीज एंड फीचर्स दैट वी कैन यूज टू डिफ्रेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। कि यानी कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं या कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, वी ऑल नो दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, मीन्स दैट द मेन बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। हियर वी हैव टू सेल्स, द वन इज़ द प्लांट सेल एंड द अदर इज़ एनिमल सेल। एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, बट एज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनके सेल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं। हेयर आई हैव अ एनिमल सेल, यहाँ पर आपके पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल शेयर दीज कॉमन फीचर्स, कुछ फीचर्स जो हैं वो इन दोनों में कॉमन होते हैं, जिनमें सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड दिस कवरिंग एक्ट्स एज द गेट कीपर। यानी कि जो आपके स्कूल के गेट पर गार्ड बिल्कुल जिस तरह से एक्ट करते हैं कि वो सिर्फ जो है चंद स्पेसिफिक लोगों को ही अलाउ करते हैं कि वो स्कूल के अंदर आ सकें, जो रेलिवेंट हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हों, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है। सेम इज़ द केस विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सारे के सारे आउटर मटेरियल्स को अपने अंदर आना अलाउ नहीं करती, कि एक्ट करती है एज अ गेट कीपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ बेसिकली द जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस मीन्स के यानी कि सेल के अंदर ये एक ऐसा मादा होता है जिसके अंदर बाकी के जो जितने भी ये वाले ऑर्गेनल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, यानी कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ये सारी की सारी जो ऑर्गेनल्स हैं एज इट इज़ प्लांट सेल में भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज़ दैट कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल के एक साइड पर एग्जिस्ट करता है। एक साइड पर जो एग्जिस्ट करता है क्यों? क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल्स में एग्जिस्ट करता है। नाउ प्लांट सेल कंटेन्स दीज एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स मीन्स कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो प्लांट सेल में होती हैं। द वन इज़ दैट इट हैज़ अ लार्जर वैक्यूल। लार्जर वैक्यूल मीन्स कि एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसके अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड हो सकता है एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो अपने अंदर ग्रीन पिगमेंट को रखता है। एक मादा होता है उसके अंदर जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं एंड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दैट क्लोरोफिल हमें प्लांट्स ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। अनदर वन इज़ रिजिड सेल वॉल। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर किया हुआ होता है, तो टर्जिटी को कंट्रोल करने के लिए प्लांट सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है जो पूरे सेल को प्रोटेक्ट किए हुए होती है। सेल वॉल बिल्कुल ऐसे ही बेटा एक्ट करती है जैसे आप एक ग्लास लें और ग्लास के अंदर जब आप पानी डालते हैं तो जो ग्लास की बाउंड्री है वो पानी को प्रोटेक्ट करती है, फैलने से रोकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बिल्डिंग यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। वी हैव रेड अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द सेल, क्योंकि सेल बिल्डिंग यूनिट है। इसके अलावा व्हेन वी से दैट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के वो कौन सी मेजर क्वालिटीज़ हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, तो वो यहाँ पर है। ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग थिंग्स, दे ग्रो। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं।
दे मूव, मूवमेंट शो करते हैं, दे फीड, वो खुराक खाते हैं, दे एक्सक्रीट यानी कि वो वेस्ट सब्सटेंसेस अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, दे रिप्रोड्यूस, वो अपनी जैसी न्यू जनरेशन को बर्थ देते हैं, एंड दे आर सेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग्स, और उनकी सराउंडिंग में होने वाली जितनी जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके लिए वो अपना रिएक्शन शो करते हैं, सेंसिटिविटी शो करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट. अब आपने नोट डाउन किया होगा बेटा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं. वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने अगर कभी सनफ्लावर का पौधा देखा हो तो वो अपना जो फेस है वो सनलाइट की तरफ टिल्ट कर लेता है, तो ये उसकी मूवमेंट है. ठीक है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव. वी हैव रेड, हमने सबसे पहले पढ़ा है दे मूव, वो मूव करते हैं. तो क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी मूवमेंट की एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म मींस लाइट की तरफ अपने फेस को टिल्ट कर लेना. एनिमल की मूवमेंट भी होती है. एनिमल्स मूव अबाउट टू लुक फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, टू स्केप फ्रॉम डेंजर एंड ऑल्सो टू फाइंड अ मेट टू हैव यंग. यानी कि मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए एनिमल्स भी जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं, जिनमें फूड हो सकती है. अब फॉर एग्जांपल एक जंगल है, जंगल के अंदर कोई लायन है, लायन को भूख लगी है तो डेफिनेटली वो मूव करेगा अपने शिकार की तरफ, तो मूवमेंट का एक ये भी रीज़न हो सकता है. पानी के लिए मूव कर सकता है, शेल्टर के लिए कर सकता है, और डिफरेंट पर्पजेज़ हो सकते हैं. अब मूवमेंट्स के एग्जांपल क्या हैं? एनिमल्स दैट फ्लाई, एनिमल्स फ्लाई भी करते हैं. एनिमल्स दैट वॉक एंड रन, वो वाले एनिमल्स जो चलते हैं और भागते दौड़ते हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए. एनिमल्स डैट स्विम, कुछ ऐसे एनिमल्स जो तैरते हैं. एंड एनिमल्स डैट क्रॉल, और वो वाले एनिमल्स भी होते हैं जो रेंगते हैं. यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं. ठीक है, अब मूवमेंट होती क्या है बेसिकली, हम किस चीज़ को मूवमेंट कहते हैं? एन एक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग अ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ प्लेस. कि जब आप खड़े हुए हैं और आपने कोई भी आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लोकेशन में चेंज आए या आप अपनी पोजिशन को चेंज कर लें, बेसिकली दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. सेंसिटिविटी क्या होती है? द अबिलिटी टू डिटेक्ट और सेंस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट स्टिमुलाई और टू मेक रिस्पॉन्सेज. यानी कि ऐसी एबिलिटी जो कि चेंजेस को क्रिएट करे आपके अंदर ड्यू टू एनवायरनमेंट, कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट कोई जब रिएक्शन शो करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी. फॉर एग्जाम्पल, जब विंटर का सीज़न होता है हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं हम. क्यों? क्योंकि अपने आप को हमने ठंड से बचाना होता है. तो ये सराउंडिंग्स में जो एक एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में चेंज आया उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपना रिएक्शन शो किया. सेम इज़ द केस विद द समर सीज़न. समर सीज़न में हम लोग लाइट और कूल कलर्स के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना फील हो. ठीक है ना, इसके अलावा है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है. अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं अगर आप उनके लीफ को थोड़ा सा भी कट करते हो तो उनके अंदर से वाइट से कलर का एक मटेरियल एक्सक्रीट होता है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन. इसके अलावा आप देखें एक्सक्रीशन में बेसिकली जो आपको खजां के मौसम में पत्तों का कलर चेंज हुआ हुआ होता है और जो गिर रहे होते हैं पत्ते, उनमें बेसिकली क्या हो रहा होते हैं कि प्लांट्स को जो नेसेसरी मटेरियल चाहिए होते हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो अननेसेसरी मटेरियल्स होते हैं ना, जो उन्हें नहीं चाहिए होते हैं, वो उनके लिए क्या करते हैं कि उन्हें वो अपने लीव्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं अनटिल द स्पेसिफिक सीजन कम्स. जब एक ख़ास किस्म का मौसम आता है तो फिर वो जो पत्तों ने अननेसेसरी मटेरियल्स को स्टोर किया हुआ होता है, उन अननेसेसरी मटेरियल की एग्जिस्टेंस की वजह से उन पत्तों का कलर जो उनसे ब्राउन हो जाता है, इस तरह के सूखे पत्ते जिन्हें हम कहते हैं. और जब ख़जान का मौसम आता है तो वो सारे के सारे जो उनसे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं. ठीक है, नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? सबसे पहले ये कि जब आप लोग गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. उसमें अननेसेसरी मटीरियल जो है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो रहा होता है. इसके अलावा जब आप फूड जो लेते हो, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, आपने आप जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो अननेसेसरी मटेरियल होता है वो आप अपनी बॉडी से थ्रू जो डाइजेस्टिव ट्रैक आप उसे एक्सपेल आउट कर देते हो. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन. अब ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन्स जो उनसे हैं वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स होते हैं, स्किन होती है, एंड किडनीज होती है. किडनीज किस में इन्वॉल्व होती हैं बेटा? टू फॉर्म यूरिन, टू रिमूव यूरिन फ्रॉम योर बॉडी. जो आप यूरिन पास करते हैं दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. जो हम पानी लेते हैं
वो पानी प्योरीफाई होने के बाद हमारी बॉडी को जितना चाहिए होता है मिल जाता है। उसके बाद जो अननेसेसरी लिक्विड मटेरियल होता है वो यूरिन के फॉर्म में आप अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। स्किन हमारे हमें कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, टू फॉर्म स्वेट, पसीना बनाने के लिए। जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हो तो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर स्वेटिंग हो रही होती है वो भी इसी की एग्जांपल है। देन लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेशन। एज वी नो ऑल दैट जब हम इनहेल करते हैं तो हम लोग जो है वो सांस को अंदर लेकर जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो हम चीज़ एक्सहेल आउट करते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली मैन की, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल करके ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, एंड एक्सेस वाटर जो हम लोग के किडनीज के थ्रू जो है वो रिमूव कर देते हैं। अनदर एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग द यंग वंस, अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देना जो कि नस्ल को आगे बढ़ा सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। मैंने आपको सब करेक्टरिस्टिक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वी विल लर्न इन डिटेल विद आर बुक रीडिंग इंशाल्लाह, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू बुक रीडिंग और हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।